सब्सक्राइब कीजिए एसडीटेक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आई एम सुदेश दाजी चैनल एसडीटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको अपने इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि आप अपने नोटिफिकेशन पैनल में जहाँ पर ये नोटिफिकेशन बार होता है वहाँ पर आप अपना फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं और उसे कस्टमाइज़ करके अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं अपने डिवाइस को, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा दोस्तों। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आप सबसे पहले अपने डिवाइस का प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है कलर स्टेटस बार। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहाँ पर से भी डायरेक्ट लोड कर सकते हैं। और यहाँ पर इसे आप देख सकते हैं, इसका आइकन देख सकते हो, आपको इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है और इसके डाउनलोड भी 1 मिलियन है, 4 पॉइंट रेटिंग है इसकी। तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए, मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इनेबल कलर स्टेटस बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर परमिशन दे देनी है, यहाँ पर कलर स्टेटस बार को अलाउ और वापस से बैक आ जाना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर थीम्स में जाना है। थीम्स में जाने के बाद आपको देख सकते हो यहाँ पर आपको तो कलर थीम दिखा रखी है जो आपको कस्टमाइज यहाँ पर कंपनी की तरफ से दे रखी है। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एड योर थीम पर क्लिक करना है। और जैसे आप एड योर थीम पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक पैनल खुलेगा, तो आपको यहाँ पर टच करना है और टच करने के बाद आपको यहाँ पर इमेज आएगा, तो आप इमेज पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप कोई सा भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर, मैं गैलरी में चला जाता हूँ और यहाँ पर कोई सा भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अब आपका फ़ोटो, खुद की फ़ोटो आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर अपना ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये फ़ोटो ले लिया मैंने मिकी वायरस का, यहाँ पर ये फ़ोटो लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक बार एग्जिट बटन क्लिक करना है और एग्जिट बटन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड एग्जिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ भी नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल दे देता हूँ सुदेश अपने टाइटल का और यहाँ पर सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप ये ओवरराइड बता रहा है तो मैं यहाँ पर सुदेश दादिज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर पहले भी सुदेश नाम से एक बना रखा है, तो मैं यहाँ पर सुदेश दादिज कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप बैक आ जाइए, बैक यहाँ पर आपने बैक आने के बाद आप दोस्तों आपको देख सकते हो आपको यहाँ पर नाम दिखाई देगा सुदेश दाजी। तो आपको सिंपली क्या करना है, बस एक बार इस पर क्लिक कर देना है, वन टैप क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से सेटिंग पर क्लिक करना है और यूज़ फ्लिप क्विक सेटिंग। इससे क्या होगा दोस्तों, जो आपके नोटिफिकेशन पैनल है, आप यहाँ पर जो आपका बार है यहाँ पर आपको कोई अनवांटेड चीज़ें नहीं दिखाई देगी, जो वाईफाई की ये चीज़ें ये सारी हट जाएगी आपको यहाँ पर से। तो आपको एक, जैसे आप देख सकते हो मैंने मिनिमाइज़ किया और जैसे मैं नोटिफिकेशन बार ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो कस्टमाइज़ फ़ोटो आ रहा है यहाँ पर मेरे डिवाइस का। तो आप भी यहाँ पर से अपने डिवाइस में अपने फ़ोटो को लगा सकते हो और टू लुक देख सकते हो। आशा रखता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।